इज मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो के अंदर हमने सब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए न्यू टॉपिक ऑब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में बताया था। आज हम ऑब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स आज हम आपके सामने बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट एनालिसिस क्या होता है। कि किसी भी क्लोज या वाक्य में आखिरी जो भी वर्ब होगी किसी भी क्लोज या सेंटेंस के अंदर, उसके ठीक बाद यदि प्रीपोजिशन हो तब उस पीपी का लास्ट वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी सेंटेंस के अंदर लास्ट वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन हो, यानी वो पीपी स्टार्ट करती हो सेंटेंस के अंदर, और उस पीपी का जो अंतिम वर्ड होगा वो क्या होगा, वो हमारा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आखिरी वर्ब के ठीक बाद यदि प्रीपोजिशन नहीं हो तब जो पहला एपी पीपी या कंजंक्शन या फुल स्टॉप हो सेंटेंस के अंदर क्या बताया, यदि आखिरी वर्ब के ठीक बाद प्रीपोजिशन नहीं हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट वर्ब के बाद हमें प्रीपोजिशन मिले, लेकिन इसमें क्या है कि यदि प्रीपोजिशन नहीं हो तब क्या है, पहला जो सेंटेंस के अंदर कोई भी एपी आ जाए, कोई भी पीपी आ जाए, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज हो, कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, या कोई भी कंजंक्शन आ जाए या फिर फुल स्टॉप आ जाए, तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या है, जो एक शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लाइक एज जैसे ये एग्जांपल देखिए, द क्लेसेस आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेटली हैज स्पॉइल्ड द चांसेस रिफ्यूजली। इसके अंदर देखिए द क्लेसेस आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेटली, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, हैज स्पॉइल्ड, तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव से पहले वाला एक जो वर्ड होगा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो हमारा सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। कोई भी एडजेक्टिव या एपीपीपी या कोई भी मेन वर्ब मिलती है उससे पहले वाला एक वर्ड हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन क्या है, यदि वर्ब के ठीक बाद प्रीपोजिशन हो तब उस पीपी का जो अंतिम शब्द होगा वो क्या हमारा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब। इसके बाद हम चलते हैं द चांसेस रिफ्यूजली, ये क्या है, ये यहाँ पे फिर एडजेक्टिव होगी। क्या है कि एलवाई वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या है, ना तो सब्जेक्ट होते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जो एडवर्ब होगी ये हमेशा क्या है, एडवर्ब का कार्य करेंगे, जो कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये एडजेक्टिव भी हो सकती है लेकिन एडवर्ब जो होगी वो कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, और उससे जो पहले वाला एक वर्ड होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे भी ये एडवर्ब हो गया, तो इससे पहले वाला जो वर्ड है आइडेंटिटी क्लचेस, ये क्या है, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर मेन वर्ब आई है, ये फिर यहाँ पे एडवर्ब हुआ क्योंकि फुल स्टॉप से पहले एलवाई, लास्ट में एलवाई जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब को प्रेरित करता है। तो इससे जो पहले वाला एक वर्ड होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे सेंटेंस के अंदर। आगे क्या है, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं हम, जैसे देवर पेंटिंग ऑन द कैनवास आफ्टर
दे गॉट द पेंट्स फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि देवर पेंटिंग सॉरी देवर पेंटिंग ऑन द कैनवास आफ्टर दे गॉट द पेंट्स। इसके अंदर देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, अलग अलग पार्ट है। दे यहां पे सब्जेक्ट हुआ, वर यहां पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, पेंटिंग यहां पे मेन वर्ब हो गया, ऑन द वा ऑन द कैनवास आफ्टर आफ्टर फिर यहां पे ये क्या है, ये हम आफ्टर को क्या है कि हम प्रीपोजिशन के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं और कंजंक्शन के अंदर भी। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन के अंदर भी आता है, जो प्रीपोजिशन की लिस्ट है हमारी उसके अंदर भी आता है और कंजंक्शन के अंदर भी आता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आफ्टर किसका काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन किस कंडीशन में होगी, प्रीपोजिशन उस कंडीशन में होगी जबकि उससे पहले वाला जो पार्ट है वो फ्रेज हो, वो क्लोज ना हो, मतलब उसका कोई अपना सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, तब उसको हम क्या है फ्रेज कहेंगे। यदि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस की है तब वो क्या है, वो पार्ट हमारा क्लोज कहलाएगा। तो इसके अंदर देखिए, जैसे दे दे ये यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये प्रोनाउन हुआ, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, पेंटिंग यहाँ पे क्या है मेन वर्ब हुई, पेंटिंग यहाँ पे क्या है मेन वर्ब हुई, ऑन द कनवास तो कनवास यहाँ पे क्या है आफ्टर, आफ्टर के बाद हम देखते हैं दे गोट द पेंट्स, दे गोट द पेंट्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का पॉइंट है, दे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब सॉरी सेकेंड वर्ब आई है, तो ये यहाँ पे फिर सब्जेक्ट हुआ और ये मेन वर्ब होगी द पेंट्स। तो ये फुल स्टॉप से पहले वाला जो ये है ये हमारा फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो दोनों सेंटेंस को देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और अपना ऑब्जेक्ट भी है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि पीपी अंतिम पीपी ये है और इस पीपी के बाद अगला सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये दोनों पार्ट्स को अगर देखते हुए हम डिसाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य कर रहा है क्योंकि सेंटेंस के अंदर दोनों क्लोज जो हैं वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो क्लोज हैं। अगर इसके अंदर ये पार्ट फ्रेज होता तो फिर ये यहाँ पे पीपी का कार्य करता, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब है, तो ये दोनों यहाँ पे अलग अलग पार्ट हुए, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग क्लोज हुए और आफ्टर यहाँ पे क्या है कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्लोज है और कौन सा फ्रेज है, ये हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम चलेंगे तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मिस्टेक 100% होगी। चलिए आगे क्या है कि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द है यदि उस शब्द के अंत में एलवाई लगा हो तब उससे ठीक पहले वाला एक शब्द हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलवाई वाला रूल फॉलो कर रहा है इस एग्जांपल के ऊपर, तो इससे पहले वाला एक जो वर्ड होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और लास्ट में चलिए इससे पहले वाला एक जो वर्ड होगा वो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रूल इसके ऊपर फॉलो हुआ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द है यदि वह शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो भी वर्ड है यदि वह वर्ड क्या है प्लेस को दर्शाता हो और टाइम को दर्शाता हो तब क्या है ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे They were dancing
ऑन द रूफ, ऑन द रूफ दे वर डांसिंग। यहां पे दे क्या हुआ, दे यहां पे सब्जेक्ट हुआ, वर यहां पे हेल्पिंग वर्ब हुई, डांसिंग यहां पे क्या हुई मेन वर्ब हुई। ऑन द रूफ, ऑन से यहां पे क्या है हमारी पीपी स्टार्ट होती है, तो ये जो वर्ड है ऑन द रूफ, आउटसाइड इनसाइड ऑन साइड, ये वर्ड क्या है, ये क्या है प्लेस को दर्शाते हैं। यदि यहां पे किसी सिटी का नेम आता है तो वो स्थान नहीं होगा, वो किसी जगह का नेम हो जाएगा प्रॉपर, कि उसके नाम से उसे जाना जाता है। टाइम क्या है, डांसिंग एट 10 o'clock या 10 p.m. ऐसे घड़ी का जो टाइम आता है वो क्या है हमारा वहां पे टाइम को दर्शाता है। तो वो उस सेंटेंस के अंदर क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एडवर्ब होते हैं, तथा एडवर्ब जो होते हैं वो ना तो सब्जेक्ट होते हैं और ना ही वो ऑब्जेक्ट होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम का ये यहाँ पे कार्य करेंगे, ना कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी ना तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे और ना ही ये किसी प्रोनाउन नाउन कुछ भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का यहाँ पे हमें दिखाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट एनालिसिस, ऑब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में हमने डिटेल में बताया आपको। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। सो धन्यवाद।